पितृ पक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है। इन दिनों भगवान पितृदेव को प्रसन्न करने के लिए जातक कई प्रकार के जतन करता है, लेकिन उसमें से कुछ घरेलू उपाय कर लिए का आशीर्वाद सदा जातक के जीवन में बना रहेगा। भारतवर्ष में पितरों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अलग अलग तरह से भगवान पितरों को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति अनेक उपाय करते हैं। उसी प्रकार 17 सितंबर से सात पक्ष प्रारंभ हो रहे, जिसे पितृपक्ष भी कहते हैं। इन पितृपक्ष में भगवान पितृदेव को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति अनेक तरह से उपाय करता है। कोई ब्राह्मण भोजन करवाता है, कोई तर्पण करवाता है, कोई पिंडदान आदि करवाता है, कोई दीन अनाथों को की सेवा करता है तथा उनको अन्न दान देता है, वस्त्र दान देता है। इस प्रकार के अनेक प्रकार के उपाय व्यक्ति अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए करता है। उसमें से कुछ उपाय कहे गए हैं जो मुख्य घर में भी कर सकते हैं, घरेलू उपाय कहे गए हैं तथा शास्त्रों में भी इन उपायों का वर्णन कहा गया है कि इन जगह दीपक लगाने से पितरों को प्रसन्नता मिलती है। यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे दीप लगाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि पितृ देवता पीपल के पेड़ के नीचे निवास करते हैं तथा पीपल के पेड़ के नीचे दीप लगाने से पितृ प्रसन्न होते हैं तथा धन धान्य आदि की वृद्धि करते हैं। उसके पश्चात दूसरी जगह कहा गई है कि दक्षिण दिशा में जो